दोस्तों, मैं हूं आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी संजय और अर्पिता की। जैसे ही वो उस पर गिरी, संजय ने अनजाने में ही अर्पिता की कमर पकड़ ली और जब उसने नीचे देखा, उसका छोटा सा सिर उसकी छाती से लगा हुआ था। उसके बालों की लटे हवा में लहरा रही थी और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देखकर किसी को भी उसके सर पर प्यार से थपकी देने का मन करता। हालांकि अर्पिता ऑफिस में काफी प्रोफेशनल दिखती थी, पर जब भी वो संजय के साथ होती तो हर काम में अंधाधुंध करती थी। जब संजय अर्पिता को संभालने के लिए हाथ बढ़ा रहा था तो उसने अपनी आंखों के कोनों से जिगर को रोड साइड पर खड़ा हुआ देखा। उसे देखकर उसकी बाहों ने अनजाने में ही अर्पिता को पकड़कर अपनी ओर करीब कर लिया। ऐसा करते हुए उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसने क्या किया। संजय ने देखा कि जिगर के हैरानी भरे एक्सप्रेशन अब निराशा में बदल चुके थे। उसने सारा ध्यान जिगर की तरफ लगा दिया और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो और अर्पिता एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। अर्पिता संजय के सीने से चिपकी हुई थी और उसका एक हाथ उसकी कमर पर था। वो दोनों एक लव कपल की तरह एक दूसरे को हग करते हुए देख रहे थे। कोई भी उन्हें देखता तो उसे गलतफहमी हो जाती और वो कुछ नहीं कह पाता, तो फिर जिगर की तो बात ही क्या थी। मिस्टर संजय मित्तल, आप लोग, ऐसा कहता हुआ जिगर आगे आया। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, एक सॉफ्ट और स्पष्ट आवाज सुनाई पड़ी। मिस्टर संजय मित्तल? गीतांजलि, जो अभी अभी कार से उतरी थी, उनकी तरफ बढ़ी। उसने संजय को पीछे से पहचान लिया था। उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तभी उसने देखा कि कोई संजय की बाहों में था। अर्पिता को संजय की बाहों में देखकर उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। मैनेजर गीतांजलि, आप वापस आ गईं? अर्पिता ने अपना सर ऊपर उठाते हुए कहा। जैसे ही उसे होश आया, वो वहां से भागना चाहती थी, पर संजय की बाजू उसकी कमर को अभी भी जकड़े थी। वो एक इंच भी हिल ना सकी। उसने संजय की बाजू पर थपकी देते हुए धीरे से फुसफुसाया, मुझे छोड़िए जल्दी। पहले ही उसने जिगर सेठी को बहुत मुश्किल से समझाया था, पर अब उसे लगता था कि मैनेजर गीतांजलि को भी समझाना पड़ेगा। संजय ने उसके घबराए हुए चेहरे को देखा और भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम खुद मेरे गले आकर पड़ गई और अब मुझे ब्लेम कर रही हो। अर्पिता, जी 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 जी, मेरी ही गलती थी। उसे तो संजय का एहसान मंद होना चाहिए उसे बचाने के लिए। हालांकि अभी ये सब डिस्कस करने का समय नहीं था। अगर संजय उसे इसी तरह पकड़े रहता तो सारी दुनिया को गलतफहमी हो सकती थी कि उसके मन में अर्पिता के लिए कुछ फीलिंग्स थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? संजय को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बारे में कोई क्या सोचता है। उसने उसे धीरे से छोड़ा और ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। अर्पिता को सिर हिलाता हुआ देख वो गीतांजलि की तरफ मुड़ा। उसने धीरे से मुंह खोलते हुए पूछा, तुम जल्दी आ गई? मिस्टर जॉनसन इटली के एक टॉप डिजाइनर थे। उनका अपना एक स्टूडियो था और एक छोटी पर बहुत बढ़िया टीम भी थी। मित्तल कॉर्पोरेशन हमेशा से मिस्टर जॉनसन के साथ काम करना चाहती थी, पर वो इस बार भी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि गीतांजलि उन्हें इनवाइट करने में सक्सेसफुल रहेगी, इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रही थी। गीतांजलि सच में आउटस्टैंडिंग थी और कोई भी उसके काम में गलती नहीं ढूंढ सकता था। नॉट बैड, संजय ने उसे कहा और ऑफिस की तरफ जाने लगा। तभी गीतांजलि ने उसे जल्दी से रोका और कहा, मिस्टर संजय, मैं बहुत जल्दी में भागते हुए यहाँ आई और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। अब क्योंकि आपने मेरे काम की तारीफ की है, तो क्या आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगे? गीतांजलि ने संजय को खाने का ऑफर देकर अर्पिता की तरफ देखा। जब उसने संजय और अर्पिता को गले लगते हुए देखा था तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अब उसके मन में कुछ चल रहा था। उसने मित्तल कॉर्पोरेशन के लिए बहुत मेहनत की थी और उधर अर्पिता अपनी खूबसूरती से संजय को लुभाना चाहती थी। खुद को संजय के ऊपर गिराने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी? अर्पिता खुद की तुलना उससे कैसे कर सकती थी? गीतांजलि संजय को ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ अर्पिता को जवाब देने के लिए ले जाना चाहती थी। करीब 10 सेकंड इंतजार करने के बाद भी जब उसे संजय की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो परेशान होने लगी। उसने इतने साफ शब्दों में उससे कहा था, क्या वो उसके साथ एक बार खाना भी नहीं खा सकता था?
अगर उसे अर्पिता के सामने रिजेक्ट कर दिया गया तो खुद उसी का मजाक बन जाता, न कि अर्पिता का। गीतांजलि की आंखें गोल घूमने लगी और वो अपना सर पकड़कर बोली, मुझे भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। इस पर शक नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो बहुत कमजोर दिख रही थी। जिगर सेठी उनके बीच एक आउटसाइडर था। उसके सामने अगर संजय खाने के लिए गीतांजलि जैसी मेहनती एम्प्लॉय को मना कर देता तो वो बहुत कठोर दिखता। ठीक है, संजय ने जवाब दिया। ये सुनकर गीतांजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही वो संजय से पूछने वाली थी कि वो खाना खाने कहाँ जा रहे हैं, उसने देखा कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, बल्कि उसने अर्पिता को देखा और कहा, तुम भी साथ चलो। गीतांजलि के मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ उठे होंठ जमकर सीधे हो गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो संजय का ध्यान अपनी ओर नहीं कर पा रही थी, जबकि अर्पिता यही काम आसानी से कर रही थी। मैं? अर्पिता ने हैरानी से पूछा। इससे पहले कि वो संजय को कुछ और कह पाती, इस सब के बीच नजरअंदाज होता हुआ जिगर सेठी आके आया और बोला, मिस्टर संजय मित्तल, सुपरवाइजर अर्पिता और मैं पहले ही एक ब्रेकफास्ट डेट पर जा रहे हैं। गीतांजलि के चेहरे पर एक रोशनी की किरण छा गई। वो संजय के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, मिस्टर संजय, क्योंकि अर्पिता की डेट है तो आपको उसे हमारे साथ आने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि सुपरवाइजर अर्पिता और मिस्टर जिगर सेठी की आपस में काफी बन रही है। हालांकि उसके शब्द काफी साधारण थे और उनमें एक अलग ही मतलब छुपा था। वो इशारा कर रही थी कि अर्पिता और जिगर के बीच कुछ चल रहा था। जिगर सेठी का संजय मित्तल से कोई मुकाबला नहीं था, पर वो टाटा टेक्नोलॉजी का वारिस था। वो काफी अच्छे बैकग्राउंड से था और उसका स्वभाव काफी अच्छा था। कोई बुरी आदत नहीं थी जो कि अक्सर बिगड़ैल अमीर बच्चों में होती है। बहुत सी लड़कियां भी उसे पसंद करती थी। गीतांजलि की नजरों में अर्पिता तो उसके लिए भी सही नहीं थी। गीतांजलि की बात सुनकर संजय का चेहरा काला पड़ गया। उसकी नजरें जिगर को देखती हुई अर्पिता के छोटे से चेहरे की तरफ गई। फिर उसने अपना मुंह खोला और बोला, गुड टाइमिंग, चलो सब साथ चलते हैं। एक डेट डबल डेट बन चुकी थी। अब गीतांजलि सिर्फ ये उम्मीद कर सकती थी कि जिगर सेठी इसके लिए मना कर दे। गीतांजलि जिगर सेठी की राय जानना चाहती थी कि उसने देखा संजय पहले ही रेस्टोरेंट की तरफ जाने के लिए मुड़ चुका था। अपने दांत निकालते हुए वो सिर्फ उसके पीछे ही जा सकती थी। वो फिर पिछली बार की तरह उसी रेस्टोरेंट में आए, पर इस बार प्राइवेट रूम वो रूम था जिसके बारे में अर्पिता बात कर रही थी। अर्पिता प्राइवेट रूम के अंदर आकर अपने बाहें क्रॉस कर वहां रखी आसपास की चीजों को देख रही थी। तुमने क्या देखा? संजय की नजर हमेशा उस पर रहती थी। जब उसने अर्पिता को दीवार पर लगी एक ऑयल पेंटिंग को ध्यान से देखते हुए देखा, वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसने उससे पूछा। इससे पहले कि अर्पिता जवाब दे पाती, गीतांजलि पहले बोल पड़ी, मिस्टर संजय, ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की बनाई प्रिंटिंग है। हालांकि ये सिर्फ एक नकल है, पर जो लोग ऑयल पेंटिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते उन्हें ये बात बिल्कुल पता नहीं होगी। ऐसे सवालों से आप अर्पिता की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और कहानी है अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को।